बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईजी न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आज 8 फरवरी का बड़ा एक अहम दिन है जिसका इंतजार था काफी अरसे से, वो आज दिन आ चुका है। और आज जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, बड़ी एक तरफ तो हमें बड़ा खुशी का मकाम नजर आ रहा है कि आज इलेक्शन हो रहे हैं, जीत किसकी होगी ये तो शाम को ही पता चल जाएगा, रिजल्ट आने में टाइम है। लेकिन जो आज हम सूरत हाल देख रहे हैं, आप देख सकते हैं जो मेरे साथ एक डिसेबल पर्सन मौजूद हैं, जो कि हम मतलब शायद समझते हैं कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलने वाले, लोग डर जाएंगे या कुछ और इस तरह के सूरत हाल बनेगी। लेकिन मैं आज वो जो सूरत हाल देख रहा हूँ वो बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी इससे ओपोजिट है। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे पता करते हैं कि कहाँ से आए हैं, कौन सा वोट किसको कास्ट किया है, इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मेरा नाम असदुल्लाह, हम मदीना चल से ऑनलाइन, और हम पिछले 1.5 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि 8 फरवरी कब आएगा। और ये क्योंकि उधार है खान साहब का, खान साहब हमारे लिए जेल में गए हैं और हम उनके लिए और क्या अपनी ज़िंदगी दे सकते हैं। आज का दिन हमारे लिए ईद का दिन है और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर खान साहब को मिलेगी। हाथ दिखाएं, लगा हुआ आपको उसका? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं यार ये नहीं होगा, होगा ऐसे हुआ होगा, लेकिन भाई ने वोट कास्ट किया। आप जमी गफीर को देख लें, ये सब LTI के लिए आए हैं और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अच्छा आई आई, मुझे बताएं कि ये मोहब्बत कब से इमरान खान साहब से आपकी? 2011 से। अच्छा, 2011 से। और मैं नजरियाती कारकुन हूं। अच्छा, मैं बिल्कुल नजरियाती कारकुन हूं। वोट जो यहां पे था आजाद उम्मीदवार की ऐसे से, आपको पता है कि बहुत सारे, तो वोट डालते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, काफी कोऑपरेटिव थे, मतलब जो स्टाफ था जो कोऑपरेटिव था, बहुत कोऑपरेटिव। क्या देखते हैं शाम को, क्या रिजल्ट आने वाला है, जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी? इंशाल्लाह अगर काउंटिंग बिल्कुल सही हुई और न्यूट्रल हुई तो हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। तो अगर खुदा नहास्ता इससे आप देखते हैं कि कोई और पार्टी जीतती हुई नजर आती है, जीत जाती है, तो तब आपके तासर क्या होंगे, क्या आप दिल पे ले लेंगे इस बात को? नहीं देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक नजरियाती कारकुन हूँ, अगर हम हार भी जाते हैं तब भी हम LTI के साथ ही हैं। अच्छा, जीदान खान के साथ है, जब तक वो जिंदा है हम उनके साथ हैं। कौन आया साथ है? अभी यहाँ पे आप निकले हैं और मेरा भतीजा है, आप आए हैं इनके साथ, तो मतलब दूर से आए होंगे इनको साथ ले? जी काफी दूर से आए हैं, काफी दूर से पैदल वॉक करके आए हैं। पैदल वॉक करके, बिल्कुल पैदल करके आए हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब काफी दूर से इनका ये जो बना था सेंटर जिसमें इन्होंने वोट कास्ट करनी थी, और ये पैदल सफर करके, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की मतलब सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, और अब मतलब आम इंसान को जो मतलब सेहतमंद हैं वो जाते हैं वोट कास्ट करने के लिए, तो वो भी शायद घरों से नहीं निकल पाते, लेकिन इन जैसे देखें कि ये वाली हिम्मत जो है ये हमें बहुत कम नज़र आती है और आप देख सकते हैं। तो क्या आप पैगाम देंगे, बहुत सारे आपके PTI के वोटर देख रहे होंगे या आपके मुहालफीन देख रहे होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं? जी मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खान हमारे लिए अंदर गया हुआ है जेल में, वो हमारी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो हमें कम से कम वोट देने के लिए घरों से निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैं ये इनको दिखाना, ये मकसद ये नहीं था कि मैं, लेकिन इनका जो जज्बा और जुनून जो है वो बड़ा मुतासर करता है बहुत सारे लोगों को। तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स दें और अपनी राय से हमें लाजमी करें, और साथ में रिजल्ट क्या आएगा आप भी हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में। तो वीडियो अच्छी लगे, एक नारा लगाना चाहते हैं, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, आई आई PTI। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाजत चाहता है, अल्लाह हाफिज़।